अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दम के पसंदे, जिसे हमें जिसके लिए हमें मटन लगेगा, जो हमने 500 ग्राम लिया है, यानी कि आधा किलो मटन लिया है, और इसे इस तरह से चपटे पीस में काट लिया है, और एक वज़नदार चीज़ से इसे हमने रफली कूट लिया है। तो हमें इसके लिए मसाले, हमें इसमें डालने के लिए जो मसाले लगेंगे वो ये है, हमने 1 टेबल स्पून ये भुने हुए चने लिया है हमने, जिसे दालवा भी कहते हैं, तो ये 1 टेबल स्पून लगेगा हमें। 7-8 काजू और 1 टेबल स्पून हमने मगज़ियात लिया है, यानी कि तरबूज के बीन लिया है हमने 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून चाय की चिरौंजी, और डेढ़ टेबल स्पून हमें खसखस लगेगी, और ये हमने खड़ा मसाला लिया है जो हमें बघार में लगेगा, 3 से 4 इलायची, काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून शाह ज़ीरा और 2-3 दालचीनी के टुकड़े, ये हमें बघारते वक्त लगेगा। और ग्रेवी के लिए हमें ये सब मसालों को हम भून लेंगे, खसखस, चाय की चिरौंजी, मगज़ियात काजू और दालवा और खोपरा। हमने खोपरा 2 टेबल स्पून खोपरा लिया है हमने बारीक खिसावा, और इस साइज़ के 3 प्याज लेके हमने उसे खिस के इस तरह से तल दिया है। तो हमने 3 प्याज तल के लेंगे, हम तली हुई प्याज लेंगे, और 2 है तो कच्ची प्याज लेंगे, इस साइज़ की 2 हम कच्ची प्याज लेंगे इस तरह की। तो और धनिया की बुकनी हमने 1/2 टेबल स्पून लगेगी हमें धनिया की बुकनी, तो हमने 1/2 टेबल स्पून धनिया की बुकनी ली है, और मिर्ची का पाउडर हमने तेज़ तीखी मिर्ची 1 टेबल स्पून लिया है, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची लगेगी, और 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा, नमक, हल्दी, हमने ये 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, और 1 टीस्पून नमक, और गरम मसाला हमें 1 टीस्पून लगेगा जो हम मटन में मिला लेंगे, और हमने 5 बड़े टेबलस्पून दही लिया है, खट्टा दही लगेगा हमें, टोटल 1/2 प्याली दही है ये। तो हम सबसे पहले अदरक लहसुन दही हल्दी नमक और लाल मिर्ची पाउडर से लगा के इसे 1/2 घंटे तक मसाले पीसने तक इसे लगा के रख देंगे हम, फिर पूरे मसाले पीस के हम 1/2 घंटा फ्रिज में इसे रख देंगे। बाद में हम इसे मसाले ये पीसने के बाद और फिर ये मसाले लगा के हम इसे 1/2 घंटा फ्रिज में रखेंगे, फिर इसे बाद में बघारेंगे। तो चलिए इन सब मसालों को हम एक साथ भून लेंगे और एक साथ ही पीस लेंगे। तो चलिए मसाले पीसने से पहले हम सबसे पहले मटन में ये दही अदरक लहसुन सब लगा कर इसे रख लेंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन डालेंगे, फिर उसके बाद ये दही पूरा डाल देंगे, फिर ये लाल मिर्ची पाउडर, ये फिर इसके बाद ये धनिया पाउडर, और ये हल्दी, नमक हम चखकर डालेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम फिर और डालेंगे। तो चलिए इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे, जब तक हमारे मसाले पिसने तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे। फिर पूरे मसाले पिसने के बाद उन मसालों को भी ये मटन में मिला देंगे, थोड़ा सा हम इसमें तंदूरी कलर डालेंगे, हमने बिल्कुल चुटकी भर तंदूरी कलर डाला है इसमें, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे हमें बाद में आखिर में पकने के बाद हम इसे दम पे रखेंगे, बाद में हम इसे आखिर में कोयले का धुएं के इसमों की खुशबू देंगे। तो चलिए अब हम मसाले पीस लेंगे। ये मसालों को सब हमने अच्छी तरह से भून के इस तरह से हमने इस तरह बारीक पेस्ट कर लिया है इसका, और हमने 10 मिनट मटन को फ्रिज में रख दिया था। अब मसाला लगा मिला लेंगे इसमें हम अच्छी तरह से, फिर इसे और हम
10 से 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो रात भर भी लगा के इसे रख सकते हैं और सुबह सुबह भी पका सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनता है अगर इसे रात भर लगा के रखें मसाले, और फिर दिन में आप सुबह पकाएं या सुबह लगा के रखें रात में बनाएं, तो भी पूरा अंदर तक मसाला मटन में जाता है तो बहुत और टेस्टी लगता है। तब इसे हम 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद एक कुकर में हम खड़े मसाले प्याज वो डाल के इसे बघारेंगे। तो चलिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बन जाता है ये सालन। फिर से हम बाद में कुकर में डाल के बघारेंगे। आप चाहे तो इसे भगोने में भी दम पे पका सकते हैं। तो अभी हम इसे कुकर में बना रहे हैं, तो चलिए इसे फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने एक कुकर लिया है, इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। हम ये 6-7 टेबल स्पून उतना तेल डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हम बाद में भी अगर हमारा तेल नहीं आए तो हम आखिर में भी बघार डालेंगे। और ये खड़ा मसाला, सबसे पहले हमने ये आधी प्याज को इस तरह से बारीक चॉप करके रख दिया था, इसे डाल देंगे हम सबसे पहले। थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने के बाद फिर ये खड़ा मसाला डालेंगे। प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हुई है, अब इसमें हम खड़ा मसाला डाल देंगे। ये जो खड़ा मसाला रखा था वो डाल देंगे। प्याज और जो खड़ा मसाला हमने इसमें डाला था वो अच्छे से फ्राई हो गया है, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसी में अब हम ये मसाला डाल लेंगे, ये खुशबू आने तक ही फ्राई करना है। मटन को हमने मसाला लगा के रख दिया था, चलिए अब इसमें मटन डालेंगे। इस तरह से चलिए हम इसमें मटन डालेंगे। इसे फौरी अच्छे से मिला लेंगे। इसे गलने उतना हम इसे दम पहले फुल आंच में रख के फिर इसकी आंच हम स्लो कर देंगे। 4 से 5 सीटी होने तक इसे हम गलने देंगे, फिर इसे खोल कर फिर बाद में इसे भुनेंगे। चलिए अब हम कुकर को लगा लेंगे, ढक्कन लगा देंगे इसका, और आधा घंटा तक पकने देंगे 5 से 6 सीटियां होने तक। तब तक हमारा गोश्त मटन नहीं गलता, तब तक हम इसे गलने देंगे, तब तक कि हमारा मटन ना गले। तो चलिए अब कुकर को लगा लेंगे। और ये जो हमने कुकर लगाने से पहले हमने ये मसाले का पानी रखा था, ये भी हम आधा प्याली इसमें डाल देंगे। बस हम बस आधा प्याली ही पानी डाल रहे हैं, क्योंकि ये सालन बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसमें गाढ़ा गाढ़ा ही रहता है, ये पतला नहीं रहता ये सालन, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर हमें लगेगा तो हम बाद में डालेंगे, लेकिन हमें इसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रहने देना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना। हम इसमें बस बिल्कुल आधा प्याली पानी डाल रहे हैं, आधा कप में उतना पानी डालेंगे। ये जो मसाले वाला हमारा ये कटोरा, इसमें हमने अच्छे से पानी डाल के इसे डाल दें, फिर इस तरह से डालकर फिर कुकर लगा लेंगे। फिर नमक मिर्ची हरा धनिया हम पूरे पकने के बाद आखिर में डालेंगे। ये हमारा पसंदे का सालन। मटन गलने के लिए हमें पूरा 1 घंटा लगा है इससे, तो अगर आपके मटन के हिसाब से है, अगर आपका मटन अच्छा है नरम तो आपका जल्दी गल जाएगा। हमको 1 घंटा लगा है इसे गलने के लिए, हमने आधा घंटा फुल
आँच पे रखा था और आधा घंटा स्लो आँच पे। तो ये चार पांच हरी मिर्चियाँ डाल देंगे हम इसमें। हमने ये कोयले को दो तीन कोयले को गैस पे गर्म किया है। अब इसे हम इस तरह से अंदर रख के इसे बटर डाल के इसका ढक्कन लगा देंगे। इस तरह से इसे बटर डाल देंगे हम और फौरी इसे एक ढक्कन इस तरह से इसे ढक्कन ढक देंगे। इसे 5 से 6 मिनट इस तरह ही रहने दें। इसके बाद हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए, ये हमारा पसंदों का सालन तैयार है। आप चाहे तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।